एक्ट्रेस दीपिका सिंह टीवी का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने 2011 में शो दिया और बाती हमसे डेब्यू किया था। शो को फैंस ने काफी पसंद किया। शो सुपरहिट रहा था। स्टोरीलाइन से लेकर शो की कास्ट तक की सराहना हुई। अब सीरियल में लीड रोल निभाने वाली दीपिका ने बताया कि आखिर दिया और बाती हम के बाद उन्होंने ज्यादा काम क्यों नहीं किया। एक खबर के मुताबिक दीपिका ने कहा, लॉन्ग रनिंग शो का हिस्सा होने के बाद भी मुझे कोई इंटरेस्टिंग शोज के ऑफर नहीं मिले। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या काम नहीं किया। मेरी फिल्म टीटू अंबानी भी मेरे काम को ट्रांसलेट नहीं कर पाई। मैं काम के लिए लोगों को अप्रोच करने में भी अच्छी नहीं हूं। साथ ही मुझे ये भी नहीं पता है कि कैसे नेटवर्क बनाया जाता है। मुझे कुछ टीवी शोज के ऑफर मिले थे लेकिन मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि रोल मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगे। इसके अलावा दीपिका सिंह ने कहा, डेली सोप्स में काम करना आसान नहीं है। शूट सुबह 7 बजे शुरू होता है और रात को 11 बजे तक चलता है। कभी कभी तो इससे भी ज्यादा खींच जाता है। दिया और बाती हम 5 साल तक चला लेकिन पीरियड में मेंटली और फिजिकली थक गई थी। मेरे पास फैमिली के लिए भी समय नहीं था। मेरी शादी हुई, मैं कवच 2019 करने के लिए तैयार थी। ये एक लंबा शो था और इसमें फिक्स घंटों के लिए काम करना था। दीपिका ने कहा, टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इसके लिए ओपन हूँ, लेकिन रोल इंटरेस्टिंग होना चाहिए और मुझे लगता है कि एज क्राइटेरिया भी अब बदल गया है और मेकर्स लीड रोल के लिए यंग एक्टर्स की तलाश में हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।